हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी जीके। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यापम की जो ग्रुप 5 की आपकी 2204 पोस्टें निकली हैं, उसमें 12th के अभ्यर्थियों के लिए भी काफी ज्यादा पोस्टें हैं। जैसा मैंने ऑलरेडी उसके लिए वीडियो बना चुका हूँ कि 12th वाले कौन कौन सी पोस्टें हैं उसमें। दोस्तों 9 टाइप की पोस्टें और 12th की जो 300 के समथिंग पोस्टें हैं, तो उसके लिए स्पेशली सिलेबस क्या होने वाला। दोस्तों काफी ज्यादा लोग कंफ्यूजन है कि लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और जो और भी पोस्टें दोस्तों 12th लेवल पर, उस पे दोस्तों क्या पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, कैसा प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहा, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर की, कैसा पेपर का स्टैंडर्ड रहा। तो इसलिए वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश और इन्हीं एग्जाम और अदर एग्जामों की तैयारी के लिए भी आपको सारे वीडियो यहाँ पर प्रॉपर मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं जो आपकी लास्ट ईयर दोस्तों 2017 में ये पोस्ट निकली थी दोस्तों आपकी लैब टेक्नीशियन की। आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन एंड इक्विवेलेंट पोस्ट दोस्तों, जो भी 12th बेस रहे हैं उसके लिए आपका कट ऑफ क्या रहा। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए लैब असिस्टेंट दोस्तों, इसी तरह लैब टेक्नीशियन का भी देखिए यहाँ पर कट ऑफ आप देख सकते हैं 74 टॉपर और 70 कट ऑफ। पहले आप देख लीजिए, ये टॉपर की लिस्ट है और ये कट ऑफ मतलब जो लास्ट नंबर जिसका सिलेक्शन हुआ दोस्तों। तो आप इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल के लिए आपका 74 हाईएस्ट, 70 लीस्ट था, एससी के लिए लीस्ट 59 था दोस्तों, एक ही पोस्ट ये भोपाल के लिए। काफी सारे मेडिकल कॉलेजेस के अलग अलग वाइज पोस्टों का यहाँ पर फिल दिखाया गया। इसी तरह देखिए ओबीसी के लिए 69 थी क्योंकि भोपाल में एक ही पोस्ट थी। इसी तरह आप नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर एसटी का भी देख सकते हैं 50 only 50। तो ये दोस्तों ये सारी जनरल वाइज ओपन कैटेगरी। अब आप नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए लैब अटेंडेंट के लिए, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये लैब असिस्टेंट था, आप कंफ्यूज ना, ये देखिए लैब अटेंडेंट है दोस्तों, और ये ऊपर असिस्टेंट है और ये अटेंडेंट है। अटेंडेंट के लिए जनरल के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर 68 मिनिमम कट ऑफ गया था, और यहाँ पर एससी की बात करते हैं आप, एससी कैटेगरी में अटेंडेंट के लिए 52 गया था। इसी तरह ओबीसी का 67 गया था दोस्तों, और इसी तरह जनरल की भी अदर ग्वालियर के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट थी। तो इसी तरह आप काफी सारी पोस्टों का यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। ये 3 साल पहले का कट ऑफ है दोस्तों, इसलिए आपको इसमें सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कट ऑफ किस टाइप का। देखिए लैब टेक्नीशियन 12th की जनरल के लिए 83 दोस्तों, क्योंकि ये भोपाल मेडिकल कॉलेज, इसकी डिमांड वाइज रेफरेंस ज्यादा, तो 83 इसका कट ऑफ। इसी तरह आप एससी का 79, एसटी का 73 और ओबीसी का भी 79। इसी तरह आप देखेंगे लैब टेक्नीशियन की ग्वालियर के लिए भी यहाँ पर, इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं देखिए लैब टेक्नीशियन भोपाल, यहाँ पर देखिए 64 के समथिंग पोस्ट थी जनरल, 64 में से 76 यहाँ पर कट ऑफ गया दोस्तों। इसी तरह आपको सारे मैंने पहले कट ऑफ दिखा दिया दोस्तों कि जो भी 12th बेस पोस्ट लेके, ये ओटी टेक्नीशियन की भी 74 ए की पोस्ट। तो अगर आप बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, जो आपकी स्पेशली 12th वाली पोस्टें कौन कौन सी होने वाली हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट एक तो दोस्तों आपकी स्पेशली डार्क रूम वाली, ड्रेशर की, आपकी ये टेंशन हॉल की, टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल। देखिए टेक्नीशियन असिस्टेंट की सबसे ज्यादा है और टेक्निकल असिस्टेंट की 200 के समथिंग पोस्ट है, ओटी असिस्टेंट की 50 के समथिंग। तो दोस्तों ये इनका यहाँ पर आपको सिर्फ ओनली इस तरह दे दिया गया है कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में 10+2 स्तर का पाठ्यक्रम। अब स्पेशली सिलेबस में क्या दिया है देखिए, ये देखिए पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो 9 टाइप की दोस्तों ये आपकी 12th लेवल की पोस्ट है, 12th पीसीएम। काफी लोग कमेंट पर पूछते हैं आर्ट वाला हूँ, मैथ्स वाला हूँ, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन सी पोस्टों आपको फिल कर उनके लिए ये 9 तरह की पोस्ट ओनली 12th बेस पे आप डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर। देखिए पेपर में आपका जो जनरल सामान्य ज्ञान दोस्तों, जनरल हिंदी, जनरल अंग्रेजी, आप सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पर। आपको जनरल सामान्य ज्ञान में दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आपका और अभिरुचि, रीजनिंग, ये 6 टॉपिक मिलाकर आपके 25 क्वेश्चन आने, मतलब 3-3 क्वेश्चन का आपका एवरेज रहेगा। और आपका जो तकनीकी ट्रेड लिखा, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि 12th में इसमें तकनीकी ट्रेड क्या आएगा, क्योंकि नर्सिंग वालों में तो नर्सिंग आएगा। तो आपका यहाँ पर आएगा दोस्तों 75 मार्क्स का आपका आने वाला है यहाँ पर पीसीएम पहले भी बोल दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भी आपका पीसीबी वाले 12th अभ्यर्थी रहेंगे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आपका पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपके 75 क्वेश्चन
आने वाले हैं, तो उनमें आपको क्या पढ़ना है, स्पेशली कौन कौन से सेक्शन पढ़ना है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वहां आपको स्पेशली क्या पढ़ना है। तो पहले तो देखिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी पोस्ट है, क्या आपका यहाँ पर सिलेबस है। तो देखिए आपको जनरल हिंदी में नॉर्मल संधि समास इससे दो तीन क्वेश्चन आ जाएंगे हिंदी में। सामान्य ज्ञान में आपको यहाँ पर हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ अभी, और हिंदी में आपको जनरल, ये इंग्लिश में आपके एरर वगैरह, आपके नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स, मैथ्स के ऐसे ही आपको वर्क एंड टाइम वगैरह के नॉर्मल परसेंटेज के क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस आप ऑलरेडी आपका पीसी भी पढ़ेंगे तो आपको वहां कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग में आपको नॉर्मल रीजनिंग के तीन चार, ये सारे सेक्शन से आपके छह सेक्शन से आपके तीन चार क्वेश्चन मिलेंगे, किसी से चार किसी से तीन भी मिल सकते हैं। तो अब आइए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आपका पेपर किस तरह रहेगा। देखिए पहले तो मैं आपको दिखा दूं स्पेशली कट ऑफ भी, मैंने आपको बता दिया कि आपका 75 के समथिंग 80 के समथिंग आपको मार्क्स लाने हैं फाइनल सिलेक्शन के। देखिए जनरल स्टडी, ये देखिए आपका जो 25 वाला सेक्शन है, ये देखिए इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका कोडिंग वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा, रीजनिंग का देखिए, फिर इंग्लिश का आ जाएगा, चूज अ सेंटेंस राइट ऑप्शन, आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। यहाँ पर देखिए आपका ओनली एरिया पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई हाई फाई क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। ये आप सारी चीजें देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए हिंदी में आपको मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन, साइंस और इस तरह अगर आप आएंगे तो ये आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए जी सेक्शन के। और ये देखिए लैब टेक्नीशियन का पेपर है, तो यहाँ से वन से फिर स्टार्ट, ये यहाँ आप देखेंगे तो आपके नॉर्मल पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेवल के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये आपका पेपर, मैंने ऑलरेडी और भी पेपर है देखिए लैब टेक्नीशियन के, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पेपर के ऊपर भी सारे वीडियो आपको इजीली मिल जाएंगे, जो ओल्ड 2017 के आपके पेपर हुए उनको सॉल्व करके भी मिल जाएंगे। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि समथिंग आपको 70 से 80 मार्क्स के समथिंग, जनरल कैंडिडेट को 80 प्लस मार्क फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको लाने पड़ेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर दोस्तों आपको फोकस करना है, आपका जो आपका तकनीकी ट्रेड यहाँ पर दिया है पीसीबी वाला आपका जो रहेगा उसमें आपको स्पेशली फोकस करना होगा, जिससे आप फाइनल सिलेक्शन ले सकें आपको, क्योंकि इन 75 मार्क्स को जाने नहीं देना, आपको इन 75 में से आपको 60 प्लस मार्क गेन करने हैं। और आपको यहाँ पर भी आपको 25 के समथिंग आप सोचिए, 25 में से मुझे 20 मार्क्स लाने तो आपके 80 मार्क्स आएंगे जनरल कैटेगरी में दोस्तों, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 12th बेस रहेंगे और पीसीबी ऑनली आपका जिसका अगर स्ट्रॉन्ग है दोस्तों तो वो इजिली इसको कवर कर सकता है। अब मैं बता देता हूँ आपको इनमें क्या पढ़ना है स्पेशली, अगर आप बात करते हैं कि आपको इन सेक्शनों में आपको स्पेशली क्या पढ़ना है, तो आपका जो पीसीबी का जो आपका सिलेबस दिया गया दोस्तों वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में स्पेशली क्या पढ़ना है। अगर आप यहाँ आएंगे तो दोस्तों देखिए फिजिक्स में आपको ये पूरा डिटेल में दिया गया, आपका पूरा जो आपका 12th लेवल का यूनिट डायमेंशन एक्सेलरेशन, देखिए हॉकिंस लॉ, ये सारी चीजें, हीट कंडक्शन, ये आपके एलिमेंट मास एनर्जी, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस हो जाएगा। इसी तरह केमिस्ट्री का भी, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे बट बेसिक रहेंगे, ऑर्गेनिक से भी इसी तरह आपका बॉटनी का भी मिल जाएगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके नर्सिंग का पेपर भी उसी बेस्ड रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आप उनके भी ओल्ड ईयर के लगा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो था दोस्तों, अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको इन सेक्शन वाइज भी आपको इनके अंदर डिटेल में क्या पढ़ना है इसके लिए भी वीडियो ला सकता हूँ, अगर आप कमेंट करते हैं तो। थैंक यू, वंदे मातरम।